एवरीवन, वेलकम टू मॉम्स लर्न कैली। आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं सैंडविचेस। सैंडविचेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले रखे हैं 10 से 12 छोटे साइज के आलू, ब्रेड, प्याज, मिर्ची, धनिया, फ्रोजन पीस और ये पनीर। सैंडविचेस बनाने के लिए अब हम अपने आलू में ऐड करेंगे प्याज, धनिया और मिर्ची। ये सभी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर आधी चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, और अमचूर पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच, आधी चम्मच जीरा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे आलू को अच्छे से मैश कर लेना है हमें। अब हम इसमें अपनी फ्रोजन मटर और पनीर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके लिए फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, इन्हें भी मिक्स कर लेंगे साथ में। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक साथ बाइंडिंग आना चाहिए इसमें। अगर आलू ढंग से मैश नहीं होंगे तो हमारी फिलिंग भी सही से नहीं हो पाएगी, इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे आलू अच्छे से मैश हो जाएं। अब हम अपने सैंडविचेस में आलू की फिलिंग करेंगे अपने ब्रेड में। सैंडविचेस बनाने के लिए अच्छे से हम अपने पूरे ब्रेड में अपने आलू स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसे एक और ब्रश से कवर कर देंगे और इसे प्रेस कर देंगे। अभी हमारा तवा जो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और अब इस पर अपने ब्रेड सेकेंगे, ब्रेड्स को टोस्ट कर लेंगे। अब हमारे ब्रेड एक साइड सिक गया होगा। अब हम इसे पलट के चेक कर लेते हैं। वाह, कितना अच्छा है, गोल्डन ब्राउन कलर का सिक चुका है। अब हम इस साइड से ऑयल अप्लाई कर देंगे और अपने ब्रेड को दूसरी साइड से टोस्ट कर लेंगे। आपको भी ये सेम यही प्रोसेस यूज़ करना है तो आपके भी सेम इसी तरह अच्छे बनेंगे। अब हम इसे हटा लेंगे। इसी तरह अपने दूसरे सैंडविचेस भी बना लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा टोस्ट हो चुका है, ये वाला भी। सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं। हमने इन्हें खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया है और इन्हें बीच से काट लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो ना मिस कर सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।